क्या मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रहा हूँ भाई, बहुत जल्दी भाई का गाना आ रहा है, मैं गुस्से में था। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को लेकर पास कुछ टाइम से रूमर्स थे कि वो खतरों के खिलाड़ी के नेक्स्ट सीजन के पार्ट होने वाले हैं। तो रिसेंटली फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे एंड वहाँ पर उन्होंने इस रूमर को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को कर देना लाइक। क्या मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रहा हूँ, क्या मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रहा हूँ भाई, पूरे न्यूज आर्टिकल्स A to Z सारे न्यूज आर्टिकल्स ये है, अभिषेक मलन गोइंग टू खतरों के खिलाड़ी, अभिषेक मलन गोइंग टू खतरों के खिलाड़ी। भाई मैं नहीं जा रहा खतरों के खिलाड़ी, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं वैसी लाइफ में बहुत खतरों से खेलता हूँ, तो अभी मेरा खतरों में खिलाड़ी जाने का कोई सीन नहीं है। मतलब मेरी ये बता, इस बारे में ना मम्मी से बात भी हो रखी है। एक बार मेरी मम्मी से बात हो रही थी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी अगर खतरों के खिलाड़ी में ऑफर आ रहा है तो क्या करें, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मम्मी कहती कि तू वहाँ जाएगा, वहाँ पर कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं। भाई मैं डर गया, मेरे को लगा मजाक से हट के कि नहीं होता कीड़े मकोड़े, बट सच में होता है। फिर मैंने ना एक्चुअली थोड़ी रिसर्च भी करी थी, तो फिर मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा यार। टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो उन्होंने अपने इसी लाइव में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात की कि उनकी म्यूजिक एल्बम आने वाली है। आप देखिए उन्होंने इस पर क्या बताया। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, हमारी पहली म्यूजिक एल्बम आने वाली है, EP भी नहीं है, एल्बम आने वाली है। तो उसमें 7 गाने होने वाले हैं, धासु गैंगस्टर सॉन्ग है, तो वो तुम्हारे को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हमारा एक सीक्रेट अनाउंसमेंट और है जो तुम्हारे को मैं अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। सब बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव पूजा भट्ट के साथ लैप करने वाले हैं फॉर म्यूजिक वीडियो। एल्विश यादव ने अपने रीसेंट ब्लॉग पर इस पर रिएक्ट करते हुए क्या कहा है, आप देखिए। भाई बहुत जल्दी भाई का गाना आ रहा है ईशा मालविया जी के साथ। ऐसा है क्या? ईशा मालविया। और आपका किसके साथ आ रहा है? मेरा ना पूजा भट्ट के साथ। पूजा भट्ट भाई पर कमेंट करना, पूजा भट्ट जी को हरियाणवी गाने में लेके आ जाएगा, वो मेरा मन है यार, मेरा मन है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। सब बात करते हैं फ्लाइंग बीच के बारे में। तो फ्लाइंग बीच ने अपने एक फैन मोमेंट को शेयर करते हुए क्या कहा। तो फ्लाइंग बीच ने अपने रीसेंट ब्लॉग में बताया कि उनके फैन के साथ उनका एक एंग्री मोमेंट हो गया था। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, कल मैं कानपुर से आ रहा था तो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, इट वाज नॉट अ गुड कन्वर्सेशन। मतलब गर्मा गर्मी फोन पे चल रही थी, मैं बैठा हूं। अब गर्मा गर्मी चल रही होती तो आप जानते लोग आपको लगता है यार मेरी बात कोई सुने ना, तो थोड़ा धीरे बात। एक बंदा आ गया साइड से, पेरिफेरल विजन का साइड सारा बंदा, उसके तरफ देखा मैंने, उसने हाय बोला, मैंने कहा हाय। वो फोटो के लिए आ रहा था, मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ ना, मैं गुस्से में था। भाई किसी और का गुस्सा किसी मेरा निकल जाए, उसको नहीं पता कि मैं गुस्से में हूँ, और वो मुझे हमेशा स्क्रीन पर देखता है कि मैं हंस रहा हूँ खुशी में हूँ। बट होता है कभी कभी, आप होता है ना भाई, कभी कभी कुछ भी लगता है पर्सनल लाइफ में। भाई मैंने कहा अभी अभी फोटो नहीं, कहता सर मैं यहाँ बैठ गया, मैंने कहा यहाँ बैठोगे भी नहीं आप, मैं यहाँ नहीं बैठोगे आप, कहता सर मैं कोई बात नहीं, मैं वेट करूँ, मैंने यहाँ बैठोगे नहीं, कहता सर मेरी सीट है, मैंने बैग रखा हुआ। मैंने कहा यार सॉरी भाई, मतलब मैं भाई वो बंदा, फिर मैंने कहा सॉरी यार, फिर मैं फोन उठ के मैं चला गया किनारे, फिर मैंने बात बात की, फिर मैं भी शांत हो गया, फिर वापस आके बोला सॉरी भाई, बुरा नहीं लगा तेरे को? कहता नहीं सर बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं। जब फोन करता है पीछे, वो बेचारा भी पीछे था, मैं कोई फोटो नहीं होगी आज, इतना गुस्सा में। बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी एक कमेंट की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। आशीष चंचलानी ने इस बच्चे के लिए डोनेशन की अपील की थी अपनी इंस्टा स्टोरी पर, इसके बाद उन्हें एक कमेंट आता है जहां पर लिखा हुआ था डोनेशन जमा करने की तुमको तो जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, क्रोश में इनकम है इतना तो खुद ही हेल्प कर सकते हो, हम लोग उसे मांगने से पहले शर्म आनी चाहिए। तो इसी कमेंट पर आशीष चंचलानी ने रिप्लाई करते हुए क्या कहा, आप देखिए। पता नहीं लोगों में किस बात की इतनी कड़वाहट है, स्टोरी पे मैंने क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया एंड मैं करते रहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में डालते रहूँगा तो लोग बोलेंगे अरे शो ऑफ कर रहा है, प्रचार कर रहा है। और अगर आपको नहीं देना है आप मत दो, मैंने लिखा है वहाँ पे नो कंपल्शंस, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू यू कैन गो अहेड। भगवान जाने हर चीज़ में आजकल कड़वाहट बढ़ गई है। मदद मांग रहे हो एक बच्चे के लिए, लिंक डालिए, लिखा है एक लार्ज ऑडियंस स्मॉल अमाउंट मदद कर सकता है, मत दो आप मत दो भाई, मत दो, इग्नोर करो, ये मत लिखो क्योंकि हम शो ऑफ नहीं करेंगे, एक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है, डाल दिया स्टोरी, माफ करो। नेक्स्ट अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि वो 50 लाख का गिव अवे करने वाले हैं, तो इसी के बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में भी अपडेट किया है एंड सब कुछ बताया है, ये डोनेशन कैसे और कितने लोगों में होने वाला है। एंड इसी इनिशिएटिव का नाम रखा है उन्होंने मिशन ब्रोसेना। एंड इसी इनिशिएटिव के चलते अनुराग डोवल ने दृष्टि सामाजिक संस्था में 51,000 की डोनेशन दी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना बिल्कुल मत जाना, एंड प्लीज गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।